यूपी में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। योगी सरकार जल्द ही रोडवेज बसों में सीनियर सिटीजन महिलाओं का सफर फ्री करने जा रही है। बुधवार को सीएम योगी ने कहा कि चुनाव के वक्त हमने 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बस में फ्री सफर करने का वादा किया था, जिसे हम जल्द ही पूरा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर भी रोडवेज बसों में महिलाएं फ्री सफर कर सकेंगी। वहीं परिवहन विभाग ने बुधवार रात 12 बजे से शुक्रवार रात 12 बजे यानी 2 दिन के लिए रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा जारी कर दी है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने बुधवार को सरकारी आवास से प्रदेश के 7 बस अड्डों का ऑनलाइन इनॉग्रेशन भी किया। इसके अलावा यूपी रोडवेज बस के बेड़े में 150 नई डीजल बसें भी शामिल की गई। ये BS6 इंजन पर है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यूपी परिवहन निगम का एक लंबा इतिहास है, इसको प्रोफेशनल तरीके से बढ़ाने की जरूरत है। हमने 2019 के कुंभ में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए बसों को खरीदा था, इन्हीं बसों को कोविड काल में भी इस्तेमाल किया गया। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को घर तक लाने में बस ही काम आई। 40 लाख कामगार अकेले उत्तर प्रदेश के ही थे, जिसमें से 30 लाख बिहार के श्रमिक थे। इसके अलावा झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों तक उन लोगों को पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।